आज हम किस बारे में बात करें? सबकी ईयर एंड मैसेजेस पढ़ लिए, सबने लिखे हैं ना क्या सीखा और क्या करेंगे अगले साल में, उसमें से कुछ नहीं होने वाला बट सब लिख तो रहे हैं। हमारे भी कर लिए बट ट्रेलर्स पसंद है मुझे, ट्रेलर्स बहुत पसंद है। एक टाइम हुआ करता था जब ट्रेलर्स मिस्टीरियस हुआ करते थे, फिर एक टाइम आया था जब वो बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हुआ करते थे, जैसे नीरज पांडे जो अपने ट्रेलर्स काटते थे वो बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते थे, मतलब आपको समझ में आ जाते कहानी क्या होने वाली है बिफोर यू गो वॉच द फिल्म। और आज मैंने एक ट्रेलर देखा, एक फिल्म है कॉल कुत्ते, यस दैट्स द नेम ऑफ द फिल्म। व्हाट आई रियली लाइक्ड अबाउट इट, एक तो उसकी स्टार कास्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अनलाइकली सी स्टार कास्ट है, दूसरी उसमें जैसे हिंदी इंग्लिश जो उसने यूज़ किया वो बहुत अच्छा है, सब लोग रिलेट कर सकते हैं, चाहे आप मास हो या क्लास हो, एलिट हो या व्हाटएवर, लो क्लास हाई क्लास व्हाटएवर, एलिटिस्ट नहीं है और इंक्लूसिव है। इंटरेस्टिंग कलर टोन, सिनेमेटोग्राफी, कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन सब काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इतनी क्यूरियोसिटी उसने पैदा कर दी है कि आप पिक्चर देखने के लिए वेट करोगे, अगर वो थिएटर में भी आएगी तो शायद आप जाओगे। तो ये मुझे ट्रेलर्स क्यों इंटरेस्टिंग लगते हैं, आई थिंक ट्रेलर्स आर योर ओरिजिनल रील्स सो टू से, राइट? अभी तो रील्स भी 10 सेकंड की हो गई है, पर 2 मिनट में कहानी बताना है इस तरीके से कि हम पूरे परिवार को लेके जाएं और 1500 रुपये खर्च करें या व्हाटएवर एंड एक पूरी आउटिंग हो, वो एक बहुत बड़ी स्किल है एंड बहुत कम लोगों को आती है, और जिनको वो आती है हैट्स ऑफ। तो संक्षिप्त में कहानी बताना और उसमें इंटरेस्ट पैदा करना आई थिंक इज अ ग्रेट आर्ट। I've always loved copywriters and now I love copy AI only because it can tell stories which are not part of your human experience, which maybe you've not lived, but in a shorter format. Copy.ai use kiya?